Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الحمد لله वशुक्रुलिल्लाह। आज हम एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला के एक मकबूल बंदे के सालाना उर्स शरीफ की महफिल में शामिल हैं। मुजद्दिद मसलक अहले सुन्नत मुहसिन मुल्क व मिल्लत खतीब आज़म आशिक रसूल मुहिब सहाबा व आले बतूल हज़रत मौलाना मोहम्मद शफी साहब उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 40वें उर्स की पहली नशिस्त शुरू हुई है। हर साल चादरपोशी से उर्स की तकरीबात का आगाज होता है। मैंने ताकीद की हुई है कि कोई भी शख्स कपड़े की चादर ना लाए। मैं नहीं पहनूंगा, इतना महंगा हार मैं नहीं पहनूंगा, माफी चाहता हूं। रखें आप, हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत शेर रब्बानी हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरखूरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से चादरें आती हैं, वो चढ़ाकर हम उर्स की तकरीबात का आगाज करते हैं। मैं चादर पोशी के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो शख्स भी चादर चढ़ाना चाहता है वो उतने पैसों का कपड़ा ले, किसी मुस्तहिक को दे दे और ईसाले सवाब हज़रत ख़तीब आज़म को कर दे। ये मेरा बरसों से मामूल है। अल्लाह का शुक्र हर साल पोशाकें तकसीम की जाती हैं और हम और शरीफ का इस तरह आगाज करते हैं। इस महफिल में उलमाए किराम के खुतबात होंगे, आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। दो तीन बातें करके फिर तिलावत कलाम पाक करवाऊंगा। एक बेटा बाप की तारीफ करता है तो लोग कहते हैं बाप है तारीफ कर रहा है, मगर बाप खतीब आज़म जैसा हो तो फिर तारीफ उनकी बनती है। मैंने उन्हें जितनी मुद्दत देखा, जैसा पाया, मैं आपको उसमें से अक्सर बातें सुनाता रहता हूं। मुझे नहीं मालूम ये किसी और को भी हासिल या नहीं, उनका एक एजाज ये है कि उनके कान में पहली आवाज दुरूद सलाम की पहुंची
और उनके मुंह से आखिरी आवाज भी दुरूद और सलाम की निकली। दुरूद और सलाम से आगाज, दुरूद और सलाम पर अंजाम, ये भी बड़ी सआदत है। उन पर कातिलाना हमला हुआ 1962 में कराची में 16 अक्टूबर को, खड्डा मार्केट, 5 गहरे जख्म आए। जख्म लगने के बाद 2.5 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचे। उस जमाने में सहूलतें नहीं थी, बग्गी घोड़ा गाड़ी में उनको लेटा कर लाए। डॉक्टरों का पहला जुमला था, इतने जख्म और खून बह जाने के बाद ये शख्स जिंदा कैसे है। 2.5 महीने अस्पताल में जेरे इलाज रहे। मैंने अपनी आंखों से वो जख्म देखे। मैं आपको सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएं। कमर में 2 धारी खंजर मारकर दाएं बाएं चलाया गया कि दिल की रगें कट जाएं, मगर उस शख्स का बयान जारी। शेरक काटने के लिए, जिन्होंने करीब से देखा निशान था, यहां उनका पूरा शेरक काटने के लिए बाएं कंधे में खंजर उतार दिया पूरे का पूरा। तकरीर जारी। उन्हें महसूस भी नहीं हुआ कि कब खंजर लगे। उनको थोड़ा सा एहसास, जैसे इरिटेशन होती है थोड़ी सी, कि कुछ ईचिंग या खुजली, यहां हाथ रखा तो खून जालिमों ने स्टेज से उतार कर नीचे फेंका, 3 जख्म सर में आए। 2.5 महीने जेरे इलाज रहे। जब गुस्ले सेहत हुआ घर आए तो वाले साहब के सेक्रेटरी थे गुलाम हैदर साहब, उनको कहा कि जिसने तारीख ली थी मुझसे, उसका नाम उस्मान था, खड्डा मार्केट में, उसके पास जाओ और उसे कहो मैं पहली तकरीर फिर उसी जगह करूंगा। अल्लाह, उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जियारत हुई। उस जियारत के बाद, हालांकि मेरी दादी जान ने कहा चलो वापस उकाड़ा चलते हैं, यहां अगर लोग दुश्मन हो गए वहां काम कर लेंगे। वाले साहब ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो माँ थी, उन्होंने कहा मैं माँ हूं। तो वाले साहब ने ये ख्वाब सुनाया कि मुझे नबी पाक की जियारत हुई है और हुजूर ने फरमाया घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। उस दिन से आखिरी सांस तक उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं, इस कराची कोई नहीं, पूरी दुनिया में उनकी आवाज आज भी गूंज रही है। ये सैयद जुनैद साहब बैठे हैं, वाले साहब के साथ जो आखिरी लोग मिले उनमें से एक। अस्पताल में भी सूफी रहमतुल्लाह रहमानी साहब आए, फरमाया 3 काम करने हैं इस मस्जिद के बारे में कहा, इसको पूरा करना है, एक किताब थी उनकी उसको पूरा करना है, और फरमाया अहले सुन्नत को इकट्ठा करना है। उनकी जो सोच थी, 55 बरस की मुख्तसर उम्र पाई, लेकिन तन्हा सैकड़ों के नहीं हजारों के बराबर काम किए। अल्लाह ताला ने उन्हें उरूज अता किया, इज्जत अता की, बड़ी शान से गए, और आज भी 40 साल के बाद दुनिया में लोग उन्हें मोहब्बत से याद करते हैं। उलमा से आप सुनेंगे, वाले साहब की ये खास तर्ज थी, एक अंदाज था, उसके वो मूजिद भी थे, इमाम भी थे। मुफ्ती आज़म साउथ अफ्रीका मौलाना मोहम्मद अकबर हज़ारवी साहब बैठे हैं, इन्होंने खुद सुनाया
के रावलपिंडी सब्जी मंडी में इन्होंने मस्जिद में तकरीर शुरू की वालिद साहब के अंदाज में। लोगों ने दुकानें बंद कर दी कि उकाड़वी साहब आ गए हैं, चलो बयान सुनते हैं। यानी उनके अंदाज को इतना लोगों ने याद रखा, पसंद किया। उन्होंने लाखों के अकायद की इस्लाह की, कितने उनके हाथ पर मुसलमान हुए। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए, उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा मौज़िन साहब से, अनवर साहब से तशरीफ़ लाएं और चंद आयात की तिलावत करें कुरान पाक की, ताकि हम तकरीब का आगाज करें। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صرف دو شعر دو شعر صرف دو صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ختم
میں رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سرا پا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سرا سرا پا کوئی نہیں کوئی نہیں سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول بارک اللہ یہ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب تھے تلاوت بھی فرمائی نعت بھی پڑھی اگلی شخصیت کو بلانے سے پہلے تعارف کرا دوں یہ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں مفتی اعظم جنوبی افریقہ حضرت مولانا محمد اکبر صاحب ہزاروی پاکستان کے ہیں تعلق ہری پور ہزارہ غازی کوٹ سے ہے ان کے بھائی ان کی بہن سب دین پڑھاتے ہیں یہ یہاں سے پڑھ کر راولپنڈی سے وہاں گئے افریقہ ایک چھوٹے سے کمرے سے چار آدمیوں سے انہوں نے وہاں پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا آج ان کے پاس 25 ملکوں کے لوگ پڑھنے آتے ہیں والد صاحب نے وہاں جا کے سنیت پھیلائی تھی انہوں نے اس کو سنبھالا اپنے خرچ پہ خود تشریف لاتے ہیں ان کی مہربانی ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سادات میں سے ہیں پیر گھرانے کے ہیں حضرت صاحب زادہ سید فاروق شاہ صاحب ہمدانی وہ تشریف فرما ان کے ساتھ کرسی کے پیچھے ملتان سے آئے ہوئے مولانا خدا بخش سعیدی صاحب ہیں مصنف بھی ہیں اور عالم بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حضرت مولانا عاشق حسین سعیدی صاحب ان کے ساتھ 10 علماء تشریف لائے ہیں اورنگی اور وہاں کے مختلف علاقوں سے علامہ قاری ضیاء اللہ نقشبندی علامہ قاری محمد انصر سعیدی علامہ قاری محمد امین سعیدی علامہ عبد المالک قادری
अल्लामा कादरी मोहम्मद इम्तियाज़ सईदी अल्लामा यार मोहम्मद सईदी अल्लामा मुजम्मिल हुसैन नक्शबंदी कारी मोहम्मद तारिक नक्शबंदी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद राशिद सईदी और मोहम्मद काशिफ सईदी साहब ईसाले सवाब भी लाए तशरीफ लाए अल्लाह ताला इनको भी जजाए खैर अता फरमाए। लांडी से भैंस कॉलोनी से बड़े मशहूर हमारे भाई हजरत मौलाना गुलाम यासीन साहब गोलड़ी वो तशरीफ लाए। इनके माशाल्लाह सारे बच्चे ही आलिम बनाए हैं इन्होंने, और इसके अलावा जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है मैं इनका भी नाम लूँगा। मेरे पीछे मौलाना कारी गुलजहां सिद्दीकी साहब बैठे हैं, सामने मेरे जितने मेहमान पत्तोकी से लाहौर से उकाड़ा से मुल्तान से तशरीफ लाए हुए मुख्तलिफ लोग, और आप सब अल्लाह ताला सबको सलामत रखे जजाए खैर अता फरमाए। एक मुख्तसर नात शरीफ और फिर उसके बाद उलमा की तकारीर। जमात अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए जनाब सैयद रफ़ीक शाह साहब रफ़ीक अहले सुन्नत वो तशरीफ लाए, उनके साथ फायर ब्रिगेड से हज़रत मौलाना शौकत से आलवी साहब तशरीफ लाए, उनका भी खैर मकदम करता हूँ। किसी का नाम रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। जनाब ज़ुबैर इसहाक साहब तशरीफ लाए और मुख्तसर नात शरीफ पढ़ें, फिर उलमा की तकारीर का सिलसिला। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले आका तुम ही नरमते हक से दिलवाने वाले और तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले सवारी से अपनी तुझसे दम उतरना मदीने के जाए जरा तो संभलना कि यहाँ था मेरे मुस्तफा का तो रख के चलना हराम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका के हो जाने वाले अरे सर का मौका के हो खुशाई तड़प पर जो मैंने सदाए लगाई तो आका की रहमत ये पैगाम लाई आपाई शफाअत की साहत जरा चैन ले मेरे
मिसले तेरा करम जाने इज्जत गुलामों पे हरदम है तेरी इनायत वो गुलशन हो सहरा या दरिया के पर्वत परस्तान की हाँ परस्तान की देख के अपने रहमत परस्तान की देख के अपने रहम बदों पर भी जहन्नम में आका का कौन उनके जलेगा जुन का है वो तो जुन का है वो तो हमेशा दम दम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकबर हजारवी साहब रावलपिंडी से शाम को पहुंचे हैं। सुबह जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम का सालाना प्रोग्राम, सफ़र से आराम भी नहीं किया तो उनको चाहूँगा कि कुछ आराम करें ताकि कल जुमे में भी हम उनको सुने। तो मुख्तसर खिताब के लिए वो आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं, ज़ियारत भी करें और उनके मलफूजात भी सुने। नारा तकबीर, नारा रिसालत।
الحمد لله الذي قال في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأمته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے خاص فضل سے آج ہمیں یہ توفیق بخشی خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی اللہ ان پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان کے عرس مبارک میں حاضری کی سعادت سے سرفراز فرمایا اختصار کے ساتھ دو باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ہم اس وقت خطیب اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک ہدیہ ثواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ثواب ایصال ثواب جو ہے جو گناہگار ہیں ان کی مغفرت بخشش کا سبب بنتا ہے اور جو نیک اور صالح ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں چونکہ آپ عظیم المرتبت تھے نبی کریم علیہ السلام کے عاشق ہی نہیں بلکہ عاشق گر تھے پیارے انداز میں محبت کے لہجے میں جب گفتگو فرماتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی تھی اور نبی کے غلام بنتے تھے تو جب ہم چونکہ وہ عظمتوں والے تھے بڑی شان والے تھے تو ان کی بارگاہ میں جب ہم ہدیہ تبریک ہدیہ ثواب پیش کرتے ہیں تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں جب ان کے درجات بلند ہوں گے تو وہ ان کی خوشی کا سبب ہوگا جب کسی کا رتبہ بڑھے تو فطرت کا تقاضا ہے خوشی ہوتی ہے مسرت ہوتی ہے اور ان کی خوشی ان کی مسرت رب کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہوگی اور یہی ہر مومن کا مقصود اور مطلوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی لو ان عبدین تحابا فی اللہ اگر دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں یہ ان سے محبت کرتا ہے مثلا آپ حضرت خطیب اعظم سے محبت کرتے ہیں آپ ان کے نور نظر الولد سر لابیہ کے جو مظہر اتم ہیں اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے یہ قبولیت کا یقیناً وقت ہے پچھلے دنوں میں سنا تھا طبیعت ناساز ہے وہاں کے سب لوگ بے چین ہو گئے تھے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ کریم کرے کہ اس طرح کے آفتابہ نے جہاں تاب تا دیر جلوہ ریز رہیں اور یوں ہی اپنی زیاباریوں سے نیا خانہ قلوب کو منور اور مستدین فرماتے رہے تو ہم وہ تو عظمتوں والے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر دو بندے
मोहब्बत करते हैं आपस में और मोहब्बत अल्लाह के लिए है। आप यहां आए, आपके दिल में खतीब आजम की मोहब्बत है और फिर उनके नूरे नजर की मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का सबब क्या है? अल्लाह के लिए। ये अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी के मद्दा हैं, तो आप इनसे मोहब्बत करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे दुनिया में आप ना भी मिलें जिससे मोहब्बत करते हैं, आप बहुत सारे हैं जिन्होंने देखा होगा खतीब आजम अलैह रहमा को, और बहुत सारे हैं अभी काफी 40 साल गुजर चुके हैं ना, तो बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए भी बशारत है। फरमाया, वाहिद फिल मशरिक व आखर फिल मगरिब ला जमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल कयामा। अगर एक मशरिक में रहता है और दूसरा मशरिक मगरिब में रहता है लेकिन मोहब्बत है अल्लाह की खातिर, तो ये मोहब्बत क्यामत के दिन रंग लाएगी और अल्लाह उनको इकट्ठा कर देगा और कहेगा, ये था दुनिया में जिसको तू मोहब्बत, जिससे तू मोहब्बत करता था मेरी खातिर, जा इनके साथ हो जा। तो खतीब आजम बड़ी शान वाले हैं, उनका मकाम क़यामत में बहुत बड़ा होगा। हमारे दिलों में अगर उनकी मोहब्बत है तो इस मोहब्बत की बरकत से हमें उनकी सोबत मिलेगी, उनका साथ मिलेगा। जब उनका मकाम बड़ा है तो हमें जब उनका साथ मिलेगा तो कितनी बड़ी कामयाबी है। तो दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके दरजात बुलंद फरमाए, और उनकी बुलंदी दरजात के सदके अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब के मलफूजात आपने सुने, उन्होंने हदीस शरीफ सुनाकर आप लोगों को खुशखबरी भी सुना दी। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। वो कमरे में तशरीफ़ ले गए थे, दोबारा तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए मैंने उस वक्त उनका ज़िक्र नहीं किया। हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेखुल कुरान हज़रत अबुल बयान, अपने ज़माने में इल्म की आबरू हज़रत मौलाना ग़ुलाम अली साहब अशरफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे भी उस्ताद, मेरे वाले साहब के भी उस्ताद, मेरे दादाजी के भी उस्ताद और पूरे उकाड़े के उस्ताद और बड़े बड़े उलमा के उस्ताद, उनके फर्जंद, उनके जानशीन हज़रत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान साहब अशरफ़ी उकाड़वी तशरीफ़ लाए, बीमार हैं, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमाए। ये जनाब पीर मोहम्मद सद्दाम हुसैन सुल्तानी साहब भी तशरीफ़ लाए, मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी चेयरमैन यूनाइटेड मुस्लिम फोरम, मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारे मोहतरम सैयद असलम गजाली साहब तशरीफ़ लाए, ग़ुलाम गोट ग़ुलाम मोहम्मद से जनाब तौफीक कायम खानी साहब अपने फ़र्जंद के साथ तशरीफ़ लाए, हर साल नागा नहीं होता ये ज़रूर आते हैं और शरीफ में शिरकत करते हैं। अल्लाह सबको इज़्ज़त बरकत अता फरमाए। सैयद रफ़ीक शाह साहब रफ़ीक़ अहले सुन्नत हैं, जमात अहले सुन्नत जिसको वाले साहब ने 1956 में बनाया, वो उसके तन्हा बानी हैं। किसी को अगर ये बात किसी तरह कबूल नहीं, वो मेरे पास आए, मैं सबूत दिखाऊं। 25वें शुमारे में मैंने कुछ सबूत शाये भी किए थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी वो बानी रुकन हैं, बानी नहीं है। तो जो ऐसा कहते हैं उन्हें यकीनन मालूमात नहीं है। तो वाले साहब ने ये जमात बनाई, आज माशाल्लाह पूरी दुनिया में है। तो ये उनके नुमाइंदे हैं, मैं उन्हें कहूँगा तशरीफ़ लाएं।
और जमात अहले सुन्नत की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए अपने ख्यालात का बयान करें। रफ़ीक अहले सुन्नत जनाब सैयद रफ़ीक शाह साहब। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين نهايتي قابل صد احترام خطيب ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاروی اور نهايتي قابل صد احترام मेरे इंतहाई मोहब्बत और मुशफ़िक हज़रत साहबज़ादा फ़ज़लुर रहमान ओकारवी और स्टेज पर जलवागर उलमा व मशाइख, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम सब ख़तीब आज़म बानी जमात अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकारवी अलै रहमा के 40वें उर्स मुबारक में शरीक हैं। ख़तीब आज़म की ज़िंदगी के बहुत से गोशे हैं और हम अलग अलग अगर गोशों के ऊपर भी कोई गुफ्तगू करे तो घंटों उसे दरकार है। और ख़तीब आज़म की शख्सियत पर जहां बहुत से मकालाजात लिखे गए, जहां PhD मकाला हुआ और लोगों ने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ काम किए, तो हम देखें कि ख़तीब आज़म की पूरी ज़िंदगी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग में गुजरी। उर्स का मौका होता है जहां साहिब उर्स की बरकतें अकीदतमंदों को हासिल होती है, वहीं अहल मोहब्बत अहल अकीदत के लिए तजदीद का वक्त भी होता है कि हम जिनसे अपनी अकीदतों का मोहब्बतों का इजहार करते हैं, और एक वक्त ये आता है कि जिससे हमारी अकीदत होती है उसकी अकीदा हमारा अकीदा बन जाता है। ख़तीब आज़म का अकीदा क्या था कि पूरी ज़िंदगी मोहब्बत रसूल का फ़रोग, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत औलिया कराम। एक वक्त था कि आपकी खिताबत ऑडियो और वीडियो कैसेटों के ज़रिए घर घर पहुंची, और मुझे अच्छी तरह याद है एक जुमला अपने वक्त के शेखुल हदीस से, जब किसी ने कहा, उन्होंने अपने शागिर्द से पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो। शेखुल हदीस मौलाना नसरुल्लाह खान अफगानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने शागिर्द से पूछा बेटा क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा हुजूर खिताबत कर रहा हूँ। फरमाया खिताबत छोड़ो, एक ही खतीब है, खतीब पाकिस्तान मौलाना शफी ओकारवी, उन्हीं की खिताबत चलती रहेगी सुबह क़यामत तक, आप और काम करो। यानी ये देखिए कि उनकी खिताबत के ऊपर अपने वक्त के अकाबिर उल्मा भी फ़ख्र करते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से जो कोई बात हो तो उसके ऊपर ख़तीब आज़म का किरदार सबसे नुमाया हो। जबकि आज फितनों का दौर है, कहीं राजियत की बात हो रही है, कहीं तब्दीलियत की बात हो रही है, कहीं नाजबियत की, कहीं खारजियत की, तो हम ख़तीब आज़म के किरदार को देखें कि जब आप मुहर्रम के बयान हो, रबीउल अव्वल के बयान हो, और या 11वीं शरीफ के बयान हो, जहां 11, 12, 10 रोज़ा बयानात हो, तो पहला बयान तौहीद का हो, दूसरा बयान रिसालत का हो, फिर खुलफाए राशिदीन का बयान हो, अहले बैत का बयान हो, तो आप देखें कि अपनी खिताबत के हवाले से वो हमेशा जगता और बेगाना होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भरपूर नारों का इजहार हो ताकि मस्जिद भी गूंज आपको, तो नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम देखें कि हमारे अकीदे के तहफ्फुज के लिए वो एक पैगाम देके गए, उनकी तहरीरें हमारे दरमियान मौजूद है, जो हमारे लिए एक ऐसा एनर्जी है
जिसको हम मुताला करें तो हमारे अकाइद की दुरुस्तगी है, हमारे आमाल की दुरुस्तगी है। और खतीब आजम की जो खिदमात है, ज़ाहिर उलमाए किराम इस वक्त बयान फरमाएंगे कि ये आलीशान मस्जिद है, ये मदरसा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जमात जमात सुन्नत। खतीब आजम ने 1956 के अंदर जमात सुन्नत की बुनियाद रखी, और जमात सुन्नत के दस्तूर के अंदर जो अल्फाज है कि जमात सुन्नत के बानी और अमीर अव्वल, जमात सुन्नत के बानी और अमीर अव्वल मौलाना मोहम्मद शफी उकारवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 1956 में कराची में जमात सुन्नत की बुनियाद रखी। इसमें कोई शक नहीं कि आज पूरी दुनिया के अंदर जमात सुन्नत का वजूद है, और वो अपने मकसद मकासद के हुसूल के लिए सरगर्म है, उसके एहसाल सवाब का जरिया और उसके अंदर एक बुनियादी किरदार खतीब आजम मौलाना मोहम्मद शफी उकारवी का है, जो बुनियादी किरदार कहलाएगा कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के जिस खित्ते में भी आप चले जाएं, जहां लफ्ज जमात सुन्नत आएगा वहां खतीब आजम मौलाना मोहम्मद शफी उकारवी अले रहमा का आएगा। आपने तन्हा जमात सुन्नत की बुनियाद रखी, और आपके रुफका आपके साथ जो माविन बनाए गए, जो आपने खुद चुने थे कि किसी को सेक्रेटरी बनाया, किसी को नाजिम इतलात बनाया, किसी को खजानची बनाया, मगर ये मकसद के हुसूल के लिए जो कदम उठाया था उसमें खतीब आजम मौलाना मोहम्मद शफी उकारवी अले रहमा का ही किरदार है। और जो लोग अभी खतीब मिल्लत ने भी जिक्र किया कि शक व शुबहात पैदा करते हैं जमात सुन्नत के कयाम में उनके बानी के लिए, तो उनके लिए भी हम यही अर्ज करते हैं कि जमात सुन्नत आज भी अपने उस मौसिन पर, उस मौसिन आजम पर, उस खतीब पर, उस खतीब आजम पर, उस मुजद्दिद मसलक अहले सुन्नत पर फख्र करती है कि आज हमारे पास जो अजीम जमात जमात अहले सुन्नत है वो उन्हीं की शब और मेहनत का नतीजा है। तो मैं आज तमाम अहबाब से भी गुजारिश करूंगा कि जहां हम खतीब आजम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं उनकी जमात के साथ भी हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और ताउन होना चाहिए। इस जामिया के हवाले से भी, इस मस्जिद के लिए भी हमारा किरदार मिसाली होना चाहिए। अजीज़ाने मन, आज के इस फितनों के दौर के अंदर अपने अकीदे के तहफ़ुज़ के लिए हम अपने जिस महबूब को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए, उनकी तहरीरों से और उनके बयानात से अपने अकाइद को दुरुस्त रखें, अपने आमाल को दुरुस्त रखें, तो इंशाअल्लाह ताला जब हम अपने असलाफ के तरीके पर कारबंद रहेंगे, उन्हीं की बातों को अपने लिए जरिया निजात बनाएंगे, तो दुनिया भी हमारी अच्छी होगी, आखिरत भी हमारी सवर जाएगी। इन्हीं अल्फाज पे मैं ज्यादा चाहूंगा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरी इस महफिल में या तो नारे लगाना नहीं, लगाना तो सुन्नियों वाले लगाना। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब सैयद रफीक शाह साहब आपके सामने ज़रूरी बुनियादी बातें कर रहे थे। इस दरमियान हमारे मोहतरम आप हर साल ज़ियारत करते हैं, आते ही उन्होंने पहला जुमला कहा कि तबीयत तो मुआफिक नहीं थी कि आऊं, लेकिन यकीनन मोहब्बत ले आई है। हज़रत क़िबला अलहाज पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी दारुल उलूम क़मरुल इस्लाम आपकी यादगार, आपके फ़र्जंद साहिबजादा सैयद अजहर शाह हमदानी, अभी थोड़ी देर पहले इनके दूसरे फर्जंद सैयद फारूक शाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, वो मुफ्ती साहब को साथ ले गए हैं। तो हज़रत तशरीफ़ लाए हैं, और मुझे पता है इनकी आदत नहीं, ये देर तक नहीं जागते, सुबह से इनका सिलसिला। बहरहाल बड़ी मेहरबानी, मैंने आते ही माइक हज़रत के सामने कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
والصلاه والسلام على حبيبي سيدنا مولانا محمد رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حق تعالی پہ کرے ما آفرید وزل زالت دلتن ما چاہ دمید عزل سالت در جہاں تکوین ما وزل سالت دین ما آئین ما پس خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد رونا کے ازما محفل ایام را او رسول را ختم ما اقوام را عاشق مصطفیٰ تھے محمد شفیع وائز دلربا تھے محمد شفیع آپ کا نام نامی محمد شفیع بے گماں آپ کے ہیں شیخ محمد شفیع محمد کریم آپ کے شفیع آپ کا شیوا عشق حبیب خدا اور وظیفہ رہا نعت و ذکر مسلک اہل سنت کو زندہ کیا محسن اہل سنت محمد شفیع پیار عظمت سے دائم طفیل نبی تھے قدر دان نسبت محمد شفیع دائی تقریب محفل کی روح جان روح رواں مسئلہ خطابت کے کوکب تاباں سید مجدود قابل قدر علماء کرام و حاضرین کرام رب ذوالجلال کرام کے بے شمار انعامات اور اکرامات ہیں شمار نہیں کیا جا سکتا بو کلموں اور بو گنوں انعامات و اکرامات سے ایک عظیم یہ اس کریم نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی امت کے اعزاز و اکرام حاصل وہ امت جس کا انبیاء کرام علیہ السلام کو اشتیاق رہا نبی کریم علیہ السلام کی جس امت کا نبیوں کو شوق رہا رب نے ہمیں وہ امت عطا فرمائی امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق تھا شوقت ان کی واہ واہ قسمت ہماری واہ رب کریم نے اس امت سے نوازا اور ارشاد فرمایا کہ خیر امہ وہ سب سے بہترین امت ہے رب کریم نے امت کی شان تو خیر امت سے بیان فرمائی اور امت کی پہچان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اس امت کو وہ منصب بخشا گیا جو رب نے انبیاء کرام کو بخشا تھا نبوت و رسالت کا سلسلہ رب کریم نے مکمل کر دیا اور ہمارے آقا کریم کی بعد جب آپ خاتم النبیین ہو کر آئے اب یہ اعزاز آپ کی امت کو بخشا گیا ہے
ये मकसद अजीम इसका हुसूल और ये अहम जिम्मेदारी जो है इस उम्मत की है, इस बिना ये उम्मत खैर है। फिर मजीद फरमाया कि इस उम्मत में भी एक ऐसी जमात होनी चाहिए कि वल तकुन फी उम्मत यदउन अल खैर यामुल मारूफ, कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद ये खैर की दावा देना हो, भलाई का हुक्म करना। और फिर इस मकसद के लिए रब्बे करीम ने उम्मत में अपनी करम से गुनागुन शख्सियात पैदा फरमाई जिनके दिल अल्लाह अल्लाह के हबीब इब्न मोहम्मद से सरशार थे और जिनका कौल अमल और सिंध किरदार सुन्नत मुस्तफ़ा सीरत मुस्तफ़ा का आईनादार था। उन्हीं अजीम शख्सियात में से एक अजीम शख्सियत के उर्स की तकरीब आज हमें नसीब हो रही है। ये बहुत बड़ी शहादत है कि हम इस उर्स में शरीक हो रहे हैं। और ये शहादत मुझ आज से उनकी भी पाया मोहब्बत थी और उनके जानशीन खल्फुर रशीद ख़तीब आज़म के फरजंद अर्जमंद ख़तीब मिल्लत ये मोहब्बत मुझे खींच कर ले आती थी उर्स पास में। और शादी होती है ना तो शादी बिन बुलाए नहीं आया जाता, लेकिन मुझ आज की आजिज़ाना और आजिलाना दावत के आज तशरीफ ले आते हैं तो मैं भी बगैर दावत के आ जाया करता हूँ। दावत भेजी जाती है लेकिन मैं आकर देखता हूँ कई वो हैं कि जिनको दावत जाती है और वो महरूम रह जाते हैं, और कई वो खुशनसीब हैं कि बगैर दावत के शहादत पा लेते हैं। असल में हमने अहले मोहब्बत आले मारिफत ये सुना है कि जो उर्स है ना बुजुर्गों की शादी ये खुद बुलाते हैं, जिसको ये चाहते हैं बुला लिया करते हैं। मेरे साथ इनकी मोहब्बत थी, ये मेरी गुजारिश पे तशरीफ लाया करते थे अपनी दुनियावी जिंदगी में, अब यहाँ से चले गए हैं अपने उर्स में हमें बुलाते हैं। मैं यहाँ होता हूँ तो सआदत मिलती है, और जब अफ्रीका में होता हूँ कभी मुफ्ती साहब तशरीफ ले गए उनकी बदौलत वहाँ सआदत मिलती है। तो यूँ समझिए कि ए वी भी हजरत खतीब आज़म पाकिस्तान की करामत है। मैं ये समझ उनकी जो जीती जागती करामत है ना चलती फिरती वो आपके सामने कौका बेताबा है। जो उनके मिशन को उनकी तहरीक को न सिर्फ जारी रखी है बल्कि वसी कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं उनका काम कर रहे हैं बल्कि काम बढ़ा रहे हैं। मेरे नज़दीक ये उनकी सबसे बड़ी करामत है, और ये करामत जो है ये जावेदा है, और ये जावेदा हम दम जवान लगे हुए इस काम में, काम बढ़ रहा है ये बढ़ाए जा रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि इस उम्मत में रब ने ऐसी शख्सियतें पैदा फरमाई हैं कि जो ये मिशन अंजाम देती रहीं। इस उम्मत को रब ने फरमाया कि ये उम्मत खैर है बेहतर है, और दूसरे मकाम फरमाया कि उम्मत वसत, इसकी दूसरी शान यह है कि ये राह एतदाल पे है, इफरात और तफरीत नहीं है। पहली उम्मतें इफरात और तफरीत का शिकार थी, कोई अंबियाए के नाम का गुस्ताख था, इल्ज़ाम लगाया करता था, ऐसी ऐसी तोहमतें लगाते थे जो आज कोई इंसान किसी की नहीं बर्दाश्त, और किसी ने अंबिया को उलूहियत का दर्जा दे रखा। हमें रब ने वो एतदाल अता फरमाया है, हम सिरात मुस्तकीम पे इसलिए हैं। फिर जब इस उम्मत में फिरके बहुत सारे हो गए ना जी, फिरके हो गए जी और होने थे, अब इनमें जवाब ना फिरका नाजिया है तो वो कौन सा है जो उसी राह एतदाल पे कारबंद है, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा का भी एहतराम करता है, आले पाक का भी एहतराम करता है, उम्मत के औलिया का भी करता है, सलाह का भी करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या आपके ग़ुलामों के कदमों की खाक का भी एहतराम करते हैं,
ये हम अहले सुन्नत व जमात थे और हैं, लेकिन बदनसीबी से कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए हैं कि जो इस मसले की बदनामी का बायस बढ़ रहे हैं। हजरत खतीब आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को बयान किया, फरमाया, दुनिया को बताया और गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, वतन वतन, हर जगह ये पैगाम पहुंचाते रहे। और ये मैं समझता हूँ कि उनका एक शेर था, इम्तियाज था, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला इसी राह पे ये उनके जानशीन कारबंद हैं। मैं यहाँ खिताब के लिए नहीं आता, खिताब तो यहाँ रंग बंग खुतबा होते हैं। वैसे खिताब जो है ना, जब बंदा बात करता है वो मुखातब होता है, मुखातब होता है, खिताब अहले मुखातब होते हैं। लेकिन उर्फ में जो खिताब है ना कि बाकायदा कोई तकरीर करना ज़ोरदार, लच्छेदार, लचकदार, ये वो मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ आता हूँ मोहब्बत के लिए और आप हजरात को तवज्जो दिलाने के लिए। आप उर्स भी करते हैं और इस मौके पे एक यादगारी मजल्ला छाया करते हैं। मैं कहा कर तू पढ़ा करें, मैं कोशिश करता हूँ। साल भर की इनकी मेहनत और काविश होती है और उसमें ऐसी बात होती हैं कि जो हर लिहाज से हमारे लिए मुफीद हैं। बात तो दुनियावी असलाह की हैं और बात हमारे ईमान की हिफाजत के बायस होती हैं। और मैं कोशिश, अब मैंने छह लिए दफने में ले जाता हूँ और कुछ उलमाए कलाम को दिया करता हूँ पढ़ने के लिए। अब इस तरफ हम मजले में एक और पहली बात का इरादा किया है जिसकी वजह से आज अहले सुन्नत बहुत ही खर्फशार का शिकार बनी हुई है, दो मसलों का। तो उसमें आपने एक तो ये बयान फरमाया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो अम्मे मोहतरम थे हज़रत अबू तालिब, उनके ईमान का मसला है। ये आपकी तहरीर जो है ना, मैं इसलिए लाए हम, ये सरसरी पढ़ने की नहीं है, इसे बगौर पढ़ना है, इसकी गहराई तक पहुंचना है, इसलिए मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। जनाब अबू तालिब प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनके कदरदान हैं और नाजगो हैं, ज़ाहरी तौर पर एक सहारा और मुहाफिज रहे। उनके औसाफ और खिदमात की एक तफसील है, वो मोमिन हैं या नहीं इस बात की बजाय हमें अपनी ईमान की फिक्र करनी चाहिए। इनका खिताब भी इसमें था, आज फिर इत्तेफाकन मैंने वो सुन लिया। तब आगे जो बात करवाई है ना कि जो कोई उन्हें मोमिन मानता है उस पर एतराज नहीं, जो कोई उन्हें मोमिन नहीं मानता उस पर इसरार नहीं, जो कोई उनके ईमान के बारे में खामोश है, खामोश रहता है, आफियत में है। यही बात हमें पढ़ाई गई है। सईद जालमत हजरत अल्लामा जसर पीर मुकर्रम शाह अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात हमें पढ़ाई थी, यूं कि एक तालिब ने पूछा था उनसे सवाल, आपने फरमाया, और इस मसले को आपने जौन नबी में रूहुल मानी के हवाले से बयान किया है। आप उसके अल्फाज भी देख लें तर्जुमा, और हज़रत ख़तीब मिल्लत का भी। हज़रत अबू तालिब के ईमान का मसला इख्तलाफी मसला है, लेकिन जो लोग ईमान के कायल नहीं उन्हें भी ये मुनासिब नहीं कि अपनी ज़बान पर कोई नारवा जुमला ले आए, क्योंकि इससे हज़रत अली की औलाद आपके मतबीन को अजियत पहुँचती है। ये अल्लामा महमूद आलूसी रहमत रकम तराज है। और कोई बईद नहीं कि हुजूर सरल असलम का दिल मुबारक भी रंजीदा होता। तो यही बात आपने लिखी है कि अगर उनके बारे में कोई मनफी बात करे, ज़बान और कलम दराज करे, वो गवारा नहीं। ये दो अहम मसले बयान किए हैं। दूसरा मसला हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बयान फरमाया है और कुछ उनकी नस्बत बयान करके कि आयात कुरानी कल्ला वाद अल्लाह और हुस्ना रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ी अन्हु, ये दो आयतें सूरह हदीद और सूरह तौबा में फरमाते हैं
कि मैं हज़रत अमीर मुआविया में शामिल हैं, यानी ये जो रब ने फरमाया कि सहाबा से वो राज़ी हैं, सहाबा उनसे राज़ी हैं, किसी उम्मती को उन पर ज़बान तान दराज करने की कोई गुंजाइश नहीं। सैयदना हसनैन की बैत की, उनके साथ हसनैन करीमैन का तल्लुक रहा, उनके हर फैसले की वो बारगाह इलाही में खूब खुद जवाबदेह हैं। उम्मती से किसी तरह उनके खिलाफ कोई मुआवजा का हक नहीं। यही बात हमें सैयदुल उम्मत ने समझाई थी गालिबन 61 या 62 साल पहले। तालिब इल्म ने सवाल किया दौरान तदरीस, तो आपने फरमाया कि सहाबी रसूल हैं, उनका एहतराम वाजिब है हर मोमिन पे। बहसियत तालिब इल्म कोई जानना चाहे तो यह है कि हक पे मौला अली थे, लेकिन उनके बारे में कफ़े लिसान हमारे बुज़ुर्गों का यही तरीका था। आगे आपने लिखा है कि मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा का उनका दर्जात और मरातिब में जो मकाम है, ये ख़तीब मिल्लत के अल्फाज हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उससे कोई तकाबुल ही नहीं, और ये बात आला हज़रत ने बड़े ईमान अफरोज बसीरत अफरोज प्यारे अंदाज में फरमाई। एक तवील कसीदा है मौला अली की शान में, फरमाते हैं कि कह रसद मौला ब मेहरे ताब नातक मजन मिशाम गो बनूरे सोहबत ऊ सुबह अनवर आमदा। यह मेरे मौला मौला अली आपके ताबंदा चमकते हुए सूरज को शाम का सताला कब पहुंच सकता है, अगरचे उसकी सोबत का नूर भी रोशन सुबह लाता है, नूर उसका भी है वो भी सो पहुंचाता है। और अगली बात जो है ना वो हमें आप मसला के हक्का आले सुन्नत जमात समझा गए हैं कि नास भी रा बुखदे बुखदे तू सुई जहन्नम रा नमूद और राफजी अद हब्बे काज़िब दरस करदर आमदा। कि आपका बुख्स मौला अली का नाज़ी को जहन्नम की राह दिखाता है और राफजी तो उसको चूंकि आपसे झूठी मोहब्बत है तो राफजी को आपकी झूठी मोहब्बत जो है वो जहन्नम रसीद कर देती है। और आखिर में इल्तिजा करते हैं कि मर्द हक में खाहम है खुरजीद हक आम मेहरा कसद आया शाल में इमाम व नवर आमदा। के हक के सूरज मैं अल्लाह ताला से आपकी रोशनी मांगता हूँ जिसकी ज़िया से पूरा आलम ईमान। मैंने ये बातें इसलिए अर्ज़ की हैं कि एक तो आपको तवज्जो दिलाने, दूसरे उलमाए किराम को और आप तमाम गुलामान मुस्तफ़ा को मैं गवाह बनना चाहता हूँ कि हमारा यही मसलक यही अकीदा यही तरीका है। जो कुछ आपने अपने फसीहाना अंदाज में बयान फरमाया मैं भी अर्ज़ करता रहता हूँ, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकता। मैं आपसे इजाज़त के साथ एक लतीफ़ा बयान कर दूँ बात समझाने के लिए। कहते हैं दो दोस्त थे ना, एक पठान था एक उर्दू स्पीकिंग आप कहते हैं उर्दू बोलने वाला, मोहब्बत थी तो मोहब्बत के बाद दोनों की शादी हो गई। जब शादी के बाद मिलने तो हाल हवाल पूछा भाई कैसे गुजर रही है, तो जो महाजर था ना उर्दू स्पीकिंग उसने अपनी लखलवी अंदाज में कि माशाल्लाह अल्लाह का फजल हमने बहुत अच्छी गुजरी, तो बोले मोहब्बत प्यार से गुजरे। सुबह पहले मैं उठता हूँ पानी गर्म करता हूँ नहा लेता हूँ फिर उनके लिए पानी रख देता हूँ, गर्म हो जाता है उनके बाथरूम में रख देता हूँ, जितने देर में गुसल फरमाती हैं मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेता हूँ, फिर दोनों मिलकर बैठ के नाश्ता करते हैं बड़ी मोहब्बत से, फिर वो कपड़े चेंज करती हैं मैं जल्दी बर्तन धो लेता हूँ, फिर दोनों चले जाते हैं, पहले उनको दफ्तर पहुँचाता हूँ फिर लभी फिर वापस आता हूँ फिर उनको लेता हूँ, फिर रास्ते में खाना ले आते हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो, जब वो कपड़े बदलती हैं मैं खाना चुन देता हूँ, फिर मिलकर खेलते हैं, यानी रात तक सारी दास्तान सुनाए। तो सुनने के बाद बठान ने क्या कहा कि यार बेइज्जती तो हमारा भी ऐसा हो रहा है लेकिन मुझे आपकी तरह बताना नहीं आता, ये बातें मैं भी बताता रहता हूँ
लेकिन ये फसीहाना बलीगाना दिल नशीन दिल असली हमें नहीं आता। दुआ फरमाए अल्लाह ताला भी मुझे तौफीक अता फरमाए और हमारा ये मोहब्बत का ये रिश्ता जो है कायम दायम रहे। और ये मोहब्बत है हमारी कि जिसके बारे रब ने फरमाया कल औलिया जोमा दिन बादल मुतक क्यामत दिन सारी मोहब्बतें गहरी टूट जाएंगी, सिर्फ ये मोहब्बत कायम रहेगी तक्वा की बिना पे। हमारी खतीब आज़म रहमतुल्लाह से मोहब्बत है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे, मोहब्बत लाही की बुनियाद पे। उनकी मुझ आजे से मोहब्बत थी नस्बत रसूल और वही मोहब्बत आप लिए जा रहे हैं। इनको मुझसे मेरी औलाद से मेरे इदारे से मोहब्बत है। मैं तो यही कह सकता हूँ जैसे हुजूर ने फरमाया कोई एहसान करे कितना बड़ा एहसान हो तुम्हारे कह दो कि जज़ाकअल्लाह तो तुमने तारीफ का हक अदा कर दिया। इसलिए कि गोया कि ये इतराफ है कि ए बंदे तूने जो एहसान किया है ना मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता, बड़ी बस मैं रब से इल्तजा कर दूँ तुझे जजा दे। और रब कैसे जजा देगा ये रब जानते हैं। रब करीम ये रिश्ता कायम दायम रखे और हमें याद रखिए और तौल फरमाया करे। अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो गई बड़ी मेहरबानी हमारे मखदूम मोहतरम हजरत पीर सैयद हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी आपको नासेहाना पैगाम दे रहे थे मसलक में पुख्तगी के लिए सही अकीदों पे कायम रहने के लिए। अल्लाह ताला हमें सही अकीदों पर इस्तेकामत अता फरमाए और तमाम मशायख़ो उलमाए अहले सुन्नत को सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। इस दौरान हमारी महफिल में खानवादा आला हज़रत के चश्मो चराग और हज़रत शौकत मिल्लत के जानशीन और फ़र्जंदे अकबर हज़रत साहिबजादा पीर मोहम्मद फरहत हसन साहब तशरीफ़ लाए खुश आमदेद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। और इस दरमियान आपने देखा होगा जो पहले पाकिस्तान की हुकूमत में वज़ीर मेहनत थे और अब अहले सुन्नत में वज़ीर मोहब्बत हैं जनाब हाजी हनीफ़ तैयब साहब भी तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इनको भी सेहत अता फरमाए। वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत ज़्यादा महफिल देर तक नहीं चलाऊंगा ताकि आपको दुश्वारी ना हो। मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं जनाब मौलाना खुदा बख्श सईदी साहब पहली मर्तबा उर्स की नशिस्त में। इमाम अहले सुन्नत गज़ाली ज़मां हज़रत मौलाना सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रदी अल्लाह ताला अन्हो उनका वहाँ अनवारुल उलूम जिसके अनवार दुनिया में फैले हुए हैं उसी से वाबस्ता हैं पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं चाहूँगा मुख्तसर आप भी आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब मौलाना खुदा बख्श सईदी साहब जाएंगे, बड़ी मेहरबानी। ये मैं तारुफ शायद नहीं कराया, ये हज़रत पीर साबिर ज़मान साहब मोड़ा शरीफ से ताल्लुक़ है माशाल्लाह, इनकी मस्जिद भी हमारे ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम तशरीफ़ लाए अपने अहबाब के साथ, बहुत शुक्रिया। والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه اجمعين الى يوم الجزاء نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا
ومأوانا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها رواه البخاري صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وعترتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امام عاشقہ بانی اہل سنت مجدد مسلک اہل سنت تلمیذ غزالیہ دوراں محب اہل بیت و صحابہ کرام خطیب ملت اسلامیہ خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الحاج محمد شفیع اقاڑوی نور اللہ مرقدہ کے مبارک عرس میں اس فقیر کی پہلی بار حاضری ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اسٹیج پر علماء و مشیخ کرام تشریف فرما ہے, بالخصوص مبلغ اسلام جگر گوشہ حضور خطیب اعظم تلمیذ غزالی زمان و خلیفہ مجاز حضور غزالی زمان علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب اطال اللہ بقاءہ خوبصورت چہرے کے ساتھ جلوہ گر ہیں اور ہم سب کے لیے قابل احترام جنہیں غزالی دوران رحمت اللہ علیہ نے محسن اہل سنت فرمایا تھا. میری مراد محترم جناب حاجی حنیف طیب سعیدی صاحب, وہ بھی جلوہ گر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی خیر فرمائے. بہت سے علماء و مشائخ کرام ہیں جن کا نام میں نہیں لے سکا, جیسا کہ حضرت نے فرمایا ٹائم مختصر ہے. حضرت علامہ اقاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جیسا کہ ابھی علماء کرام نے بیان فرمایا, آپ کے اہل سنت پر بہت سے احسانات ہیں اور حضرت غزالی دوران رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ان پر ایک احسان ہے, پھر ان کی ان کے ساتھ جو ایک محبت ہے وہ ایک دنیا جانتی ہے. تاریخ میں ہمارے ریکارڈ میں یہ سب چیزیں محفوظ ہیں. جس طرح کہ ابھی ابتدا میں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرت کے قاتلانہ حملے کی رودات بیان فرما رہے تھے, مکمل طور پر یہ قاتلانہ کی رودات حضرت غزالی دوران رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماہنامہ السعید کے اس دور کے اندر یہ آواز اٹھائی تھی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا تھا کہ جنہوں نے علامہ اقاڑوی رحمت اللہ علیہ پہ حملہ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور وہ ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہے. حضرت غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ سے علامہ اقاڑوی رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ پیار تھا. آپ شاگرد تھے حضرت کے, جیسا کہ کتب میں محفوظ ہے یہ بات, اور میں نے گزشتہ سال کے الخطیب شمارے کے اندر میرا ایک مضمون بھی چھپا ہے. اس سال بھی میرا ارادہ تھا لیکن دل کی تکلیف کی وجہ سے میں نہیں لکھ سکا, لیکن مضمون تو میرے پاس مواد تو محفوظ ہے, وہ انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر میں انشاءاللہ پیش کروں گا. علامہ اقاڑوی رحمت اللہ علیہ کی کتب سے
अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने बहुत फैज हासिल किया है। मैं समझता हूं अल्लामा कारी रहमतुल्लाह अलैह गजाली जमा का वो अजीम एक हुस्न है कि मेरे गजाली जमा ने उन्हें जो एक फैजान अता फरमाया है उस फैजान को आपने पूरी दुनिया में फैला दिया है। ये बात मैंने अपने मकाले में भी लिखी है कि बास खुतबा जब उरूज पाते हैं तो वो एक लचक की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ताला का एक खास करम है कि जहां उनके दिल में सहाबे किराम की मोहब्बत थी वहां अहले बैत का प्यार भी जरूर मौजूद था। ये नहीं है उन्होंने सहाबे किराम में माजल्ला तनकीस की हो, अहले बैत को चढ़ा दिया हो, ऐसी बात नहीं है। हजरत अल्लामा कारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सही और असह एक आलिमे दीन जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी फरमाई है। मसलक गजालिये दौरान और मसलक आला हजरत का प्रचार किया है। हजरत गजालिये समा रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा, यह हमारे मुल्तान की बात है। वो शख्स किसी ने क्या बल्कि मौलाना मुफ्ती खुर्शीद अहमद सिद्दीकी साहब अब भी जिंदा हैं, उन्होंने ख्वाब में देखा और पूछा हुजूर सुने क्या कैफियत है। फरमाया अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजर रही है। नाराज ना होना, अगर आप बोल लेंगे तो कोई मसला नहीं है, इतने ढीले मजमे में मुझे मजा नहीं आता। हमारे पंजाब का मजमा हो तो फिर बल्ले बल्ले ही, कराची का मजमा भी आशिक रसूल है माशाल्लाह, लेकिन इतनी अजीम हस्तियां ऊंची आवाज से थोड़ा सा। इतने अजीम उलमा की मौजूदगी में अगर आप ढीले ढीले बैठे रहें तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। मौलाना साहब फरमाते हैं मैंने गजालिये समा को ख्वाब में देखा, मैंने पूछा हुजूर कैसी गुजर रही है। फरमाया बहुत अच्छी गुजर रही है, हुजूर की कचहरी लगी होती है। मेरे ख्याल में किसी और तरीके से आपको जगवाना पड़ेगा। फरमाया हुजूर की कचहरी लगी होती है, अल्लामा कारवी तरन्नुम में हुजूर की बारगाह में नाच सुनाते हैं हम सब मसरूर हो जाते हैं। अल्लामा कारवी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अब जिक्र जमील उठाएंगे ना, जिक्र जमील की इब्तदा में जहां हजरत गजालिये समा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत का तारुफ लिखा है तो वहां यह भी लिखा है कि हजरत अल्लामा कारवी रहमतुल्लाह अलैह तरन्नुम के बादशाह है। बड़ा खूबसूरत उनका तरन्नुम है। अजीजान मोहतरम अल्लामा कारवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे अकल सलाम साहबाए किराम अहले बैत अतहार अम्मा मुश्तहिदीन तमाम औलियाए किराम उलमा सोलहा सब की निगाह में मंजूर नजर थे। और जिस वक्त मेरे उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा गजालिये दौरा रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया, फिर आप मुल्तान में तशरीफ लाए तो बुखारी शरीफ पढ़ाने लगे। तोलबा ने पूछा हुजूर अल्लामा कारवी का जनाजा पढ़ा के आए हो तो कुछ बात ही सुना दो। आपने कैफियत में इरशाद फरमाया, फरमाया वो हुजूर की बारगाह में चले गए हैं, वो जाकर नाच सुनाएंगे, मैं हुजूर की हदीस जाकर सुनाऊंगा। मैं वो जाकर नाच सुनाएंगे, मैं जाकर हुजूर की हदीस सुनाऊंगा। और कई हमारे उलमाए किराम ने गजालिये समा रहमतुल्लाह अलैह की मजारे मर्त अनवर पर यह मुराकबा किया है। आप बैठकर बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, आप फिर ढीली सुबहान अल्लाह उछको सुबहान अल्लाह ऊंची ऊंची आवाज है, फिर देखा बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, पूछा हुजूर ये कौन लोग हैं। फरमाया ये एक आसमानी मखलूक है, मैंने दुनिया में भी बुखारी शरीफ पढ़ाई है, कब्र में भी मैं बुखारी शरीफ पढ़ा रहा हूं।
अच्छा चले हजरत अल्लाह मुख्तारी रहमतुल्लाह अलैह के चूंकि उस्ताद भी थे मेरे गजाली जमा इमाम अहले सुन्नत और बड़ा उनका दरीना ताल्लुक था। यहाँ खारादार जो मस्जिद है आपके कराची के अंदर, यहाँ हजरत गजाली जमा रहमतुल्लाह अलैह के करीब में तशरीफ लाए तो खारादार कराची की जो मस्जिद है आपको मुझसे बेहतर जानते हैं, वहां हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे तो बड़ी खूबसूरत आवाज में, तरन्नम की आवाज में। आप तो खुशकिस्मत है आपने अल्लाह उकाड़वी को देखा है, मैंने तो जिंदगी में भी नहीं पाया, मैंने तो गजाली जमा को भी जिंदगी में नहीं पाया, हम तो बच्चे हैं, लेकिन जज्बा है इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलेंगे, जज्बा है इनके मिशन को जिंदा रखेंगे, जज्बा है आला हजरत के मिशन को जिंदा रखेंगे। हम वो नहीं है या इधर हो जाएं या इधर हो जाएं, नहीं, हमारा लंगर मदीने से आता है, इधर से दाता साहब तकसीम करते हैं, उधर से आला हजरत करते हैं, उधर से गजाली जमा तकसीम करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, बास लोगों ने कहा ना हमें अंग्रेज ने बड़ा सुकून पहुंचाया है, हम ऐसे लोगों के अकीदे को जूतों की नाक पे रखते हैं, हमारा अकीदा वही है जो गजाली जमा का अकीदा था, जो आला हजरत का अकीदा है। मेरी बात समझ आ रही है आप दोस्तों को? हजरत गजाली जमा रहमतुल्लाह ताला अलैह खारादार में तशरीफ लाए, अल्लामा उकाड़वी वहां एक मस्जिद में खूबसूरत अंदाज में तकरीर फरमा रहे थे तो गजाली जमा ने किससे पूछा ये किन की आवाज है? उन्होंने कहा जी हुजूर अल्लामा उकाड़वी की आवाज है, वो खूबसूरत अंदाज में तकरीर कर रहे हैं। आपने चिट पे लिखा सैयद अहमद सईद कासमी फुला मस्जिद में आपका इंतजार कर रहे हैं, चिट पे लिखा। जिस शख्स ने मुझे ये वाकया सुनाया उन्होंने कहा मौलाना अल्लामा उकाड़वी बड़े खूबसूरत अंदाज में तकरीर फरमा रहे थे, बड़े अच्छे और आला अंदाज में, जो ही उनके पास चिट गई, तकरीर छोड़ दी, बगैर जूती के पैदल चल के अपने उस्ताद गजाली जमा के पास गए और उनको उनके सीने के साथ लगे और उनके साथ मोहब्बत में मुलाकात फरमाई। ये वो हमारे अकाबरीन हैं, ये वो हमारे उलमा हैं जिनके नक्शे कदम पर हम चले और जिनको जिनकी मिसालें हम दुनिया को पेश करें। अल्लाह मैं आखिर में अर्ज करूं, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में लिखा है इन्नल औलिया अल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना मिन दारिन इला दार। मुल्ला अली कारी ने इसे मिरकात शरह मिशकात में भी लिखा है और मुल्ला अली कारी ने इस इबारत को तीन मकामात पे लिख कर ये बास की है कि जो अल्लाह का वली होता है वो मरता नहीं है, वो जिंदा होता है। उलमा इस बात को बेहतर समझते हैं कि लफ्ज इंतकाल, इंतकल यंतकिल, इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होना, इसका मतलब वो नहीं है कि मरकर, जिस तरह उनका अकीदा है हम ये समझते हैं दाता साहब भी जिंदा है, आला हजरत भी जिंदा है, गजाली जमा भी जिंदा है, अल्लामा उकाड़वी भी जिंदा है, अल्लाह के सारे वली जिंदा है। इसमें मैं आखिरी बात अर्ज करूं, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने रिसाले कुशैरिया में लिखा और अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस सदेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुन नबुव्वत में लिखा है, काजी साहब पर मौत वाकई हो गई, वो बैतुल्ला में तशरीफ फरमा थे तो साथ ही बैठे एक शख्स से कहा भी मैं फौत हो जाऊंगा तो ये दिरहम दिनार ले ले मेरा कफन दफन करना। फौत हुए, फौत होने के बाद देखा तो वो जिंदा थे, ऐसे लगा ये कलाम करते हैं, पूछा उनसे कलाम किया, हजरत अभी तो आप फौत हो गए थे तो वो कलाम करने लगे, उन्होंने कहा ना हय्यन मैं जिंदा हूं। फिर उन्होंने पूछा अतकल्लमु बादल मौत, क्या मरने के बाद भी कोई जिंदा होता है? उसने कहा आना हय्यन, सुनना ऐ सुनियो, ये एक रश करो, तुम्हें मसला के आले सुन्नत मिला है कि उन्होंने कहा आना हय्यन मैं जिंदा हूं, वह कुल्लु मुहिब्बिल लिल्लाह हय्यन मैं भी जिंदा हूं, अल्लाह का हर महबूब जिंदा है, अल्लाह का हर महबूब जिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस मुबारक हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए और हम सब के हम सब के लिए काबिल एहतराम हजरत अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी साहब
ज़ीदा शर्फ़ व अताल अल्लाह उम्रहु क़िबला के इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए व आखिरु दावा याना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। मौलाना की ज़ाहिरी उम्र कम है मगर माशाल्लाह फाजिल हैं। मेरे वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिताबत की, सारी दुनिया कराची भी बाहर भी, कभी किसी से नहीं कहा कि सुभान अल्लाह कहो, दाद नहीं चाही, बातें ऐसी करते थे दुनिया खुद कहती थी। पंजाब में रवाज है बहरहाल सुभान अल्लाह कहलवाना, कोई बुरी बात नहीं है। जिक्री है तस्बीह, अगर अपने बात मसला कर रहा हूँ, अगर जिक्र इलाही के तौर पर सुभान अल्लाह कहेंगे सवाब मिलेगा, अगर मुकर्रर को खुश करने के लिए कहेंगे कोई सवाब नहीं मिलेगा। मसला है तो जब सुभान अल्लाह कहो रब के लिए कहो, ठीक है ना। तो बहरहाल उनका मुतालबा, वो चाहते थे कि भाई आप बिल्कुल खामोशी से ना सुने, लेकिन लोगों से हमने देखा वो बातें करते थे, लोग झूमते भी थे, कपड़े भी फाड़ते थे, लोगों को वजद भी होता था, नारे भी लगते थे, वजद हाल की कैफियत। अल्लाह ताला हम सबको काली ना बनाए हाली बनाए। टाइम मेरे पास बहुत कम है क्योंकि हमारे जो बुनियादी खतीब हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, वो आएंगे, लेकिन उससे पहले दो अफराद को आपके सामने पेश करना है। दावत दूंगा मैं जनाब वज़ीर महब्बत अलहाज हनीफ तैयब साहब को, बावजूद अलालत के तशरीफ़ लाए, अक्सर जुम्मे को आते हैं लेकिन शायद हो सकता है कल कोई मसरूफ़ीत होगी तो रात में तशरीफ़ लाए हैं, वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। इसके बाद आपको सुनाऊंगा हाफिज़ ताहिर साहब, वो भी पहली मरतबा उर्स में आए हैं, उनको हम उनसे पाँच शेर सुनेंगे, उसके बाद फिर हमारे वो मेहमान ख़तीब और आखिर में साहिबजादा फरहत हसन साहब अपने कलेमात से नवाजेंगे। सुनिए आप मोहब्बत, बैठ जाएं आजी साहब, बैठ जाएं, मेहरबानी। अब लगाओ सुनियो वाला नारा, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, मेहरबानी, व अला आलिका व असहाबिका या खातमन नबीयीन। आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से खतीब आज़म खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस 40वें उर्स में शिरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ और गुफ्तगू करूँ इससे पहले आप सबसे आजिज़ाना इल्तिजा करता हूँ कि जानशीन ख़तीब आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी साहब उकाड़वी, इनकी सेहत के लिए ख़ुसूसी तौर पर ऐसे दुआ करें जैसे आप अपने सगे भाई के लिए करते हैं। यह हमारे उम्र कुछ भी हो लेकिन हमारे बुज़ुर्गों में शुमार होता है और लोगों तक ये पैगाम, आला हजरत का पैगाम जैसे वो उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह पहुंचाते थे वैसे ही प्रोग्राम इनको भी पहुंचाने की सआदत नसीब होती है। मैं तालिबे इल्म था, एटीआई में भी था, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के खिताबात सुनने का मौका मिला। एक हमारे साथी का भी जिक्र याद आ गया, हाफिज मोहम्मद तकी शहीद,
वो साबिक MLA भी थे, साबिक MPA भी थे, साबिक वजीर भी थे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में मौलाना मोहम्मद शफीक ओकाड़वी रहमतुल्लाह की बहुत तकरीरें सुनी और वो बात दिल में बैठ जाती थी। वो एक तकरीर सुन ली जाए तो चार छः आठ जगह आदमी थोड़ी थोड़ी तकरीर जो है वो कर सकता था और कर सकता है अभी भी। तो मैं इनकी सेहत की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ और आपको मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ और मैं हमारे भाई खुदा बख्श सईदी इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ होता हूँ बहुत करता हूँ। बहुत नौजवान हैं अभी और अल्लामा काज़मी साहब पर जिन लोगों ने भी लिखा है उन सबसे ज़्यादा इन्होंने लिखने की तैयारी कर ली है, लेकिन दरमियान में पता चला तो मैंने फ़ोन किया था और हार्ट का प्रॉब्लम था। अल्लाह ताला शिफाए कामिल आजिला इन तमाम हजरात को अल्लाह शिफा अता फरमाए। हजरत ने इमामत और खिताबत ये एक शोबा है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह यद तूला हासिल था। आप जुमे के खतीब भी थे, जलसों के खतीब भी थे, आप कराची और पाकिस्तान के खतीब भी थे और आलमी सतह पर जहां जहां शमे रिसालत के परवाने ईद मिलादुन्नबी और दूसरे अय्याम मनाते हैं वहाँ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी ओकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह जाते भी थे और उनके ईमान को ताज़ा करते थे। फिर एक शोबा ये है कि बहुत सारे लोग मसरूफियत के सबब किताबें लिखने का टाइम नहीं निकाल पाते। अभी मुझे आते हुए साहबजादा फरहत मियां कादरी रिज़वी नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने दामत बरकातुल आलिया ने बताया कि फतावा रिज़विया की तीन जिल्दों का अरबी में तर्जुमा ताजुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अलअज़हरी साहब ने कर लिया है, अपनी जिंदगी में कर लिया। हालांकि आखिरी साल जरा बीमारियों ने ज्यादा घेरा था, लेकिन अरबी में तर्जुमा करना ये दोबारा सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अरबी में एक अजमी जो है उसने किसका तर्जुमा किया, किसी मजमून का नहीं, फतावा का तर्जुमा करना ये और ज्यादा कार्य दारद होता है, उन्होंने किया माशाल्लाह। फिर मौलाना ने एक काम इस मस्जिद को बनाकर किया, क्योंकि आपका मिशन जारी रहे उसकी आप कोई सूरत निकाल कर जाइए तो आप इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत इतनी काबिल दीद मस्जिद हजरत ने बनाई माशाल्लाह। ये भी बहुत बड़ा मामला है और ये मैं तो सुभान अल्लाह आपसे कहलवाना चाहता हूँ, ये उस बुजुर्ग हस्ती को सलाम पेश करने के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी मस्जिद बनाई। और जाहिर है कि ये फी सबीलिल्लाह आप कहेंगे तो इससे आप सोचिए कि ये भी एक काम का शोबा है। फिर बचपन से स्कूल लाइफ से ATI से राय हक सवाबुल इबादत बरकात मीलाद अंगूठा चूमने का मसला सफीना नूह अव्वल हिस्सा सफीना नूह हिस्सा दोम और सबसे बड़े हजरत के जो जलसे होते थे सब जगह होते थे लेकिन मुहर्रम का सबसे बड़ा जलसा कागजी बाजार की नूर मस्जिद के पास वाडला सैयद वॉलंटियर कोर वाले कराते थे, तो उनमें उन जलसों के मुंतजमीन में मेरा घर भी चुका उसी गली में था तो उन मुंतजमीन में हम लोग शामिल थे। और हजरत ने एक ईमान अफरोज तकरीरें कितने साल पहले की हैं लेकिन अब भी वैसे मुहर्रम में आप जिस चीज की चाहे कैसेट उठाकर पीटने का मामला न करें, ये अपने आप को बचाएं गुनाह से, सिर्फ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी ओकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकारीर। बाकी यकीनन और भी होंगी, मैंने सुनी नहीं है लेकिन मैंने सुना है, लोगों से सुना है कि कारी अहमद हुसैन फिरोजपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार पर गुजरात में हाजिर हुआ हूँ, वो भी यहाँ जामा क्लॉट मार्केट के पास राजा मेंशन है वहाँ बहुत अच्छी मुहर्रम की तकारीर किया करते थे। तो ये भी एक काम का शोबा है और ये बड़ा अच्छा हुआ कि इनके साहबजादगान ने इन किताबों की मुसलसल इशाअत का
काम जारी रखा है उससे ईमान को एक ताजगी मिलती है। मैं इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए कि अब जरा तबीयत के वजह से ज्यादा देर खड़े रहने में दिक्कत है। हजरत ने तो करम फरमाने करके फरमाया था कि बैठ के तकरीर करें, लेकिन हमें अपनी औकात के अंदर ही रहना चाहिए। बार नौ आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत न की तो आगे चलकर पछताना बहुत पड़ेगा। फोन जो अब आ गया है और टीवी जो घर में है और जो बेहयाई फैल रही है और जो बदअकीदगी फैल रही है, इन सब से बचाने के लिए ये किताबें जो बाहर बिक रही हैं ये खरीदें और इसको खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। तो इसमें ऐसी किताबें हैं जिससे इंशाल्लाह आप अपने ईमान का तहफ़ भी कर सकेंगे, अपने आमाल का भी तहफ़ कर सकेंगे, अपनी औलाद का भी तहफ़ कर सकेंगे। मैं हजरत से माफ़ी का खासदार हूँ, तबीयत की वजह से अब ज़ाहिर पहले के मुकाबले, लेकिन कोशिश पूरी होगी कि कल भी थोड़ी देर के लिए हाजिरी लगाई जाए। आपसे दरख्वास्त ये है कि ये जितना कलाम आला हजरत का इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में पढ़ा जाता है उसको पढ़ाने का रिवाज डालने वाली शख्सियत का नाम हजरत खतीब आजम पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। उन्होंने आला हजरत के इस कलाम को आम करने की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला हमें आला हजरत की सही मानों में गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह या रसूल। बहुत शुक्रिया हाजी साहेब, मोहब्बतों का, नसीहतों का पैगाम अच्छा है। खुद को भी संभालो, अपनी औलाद को भी संभालो। ईमान ही काम आएगा, अमल भले कितने हों ईमान नहीं होगा तो बख्शिश नहीं हो। हाफिज़ ताहिर साहब और उनके भाई नाथानी के हवाले से जाने पहचाने, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब मीडिया का ज़माना है, दुनिया में जहाँ जहाँ सुन्नी है उर्दू सुनने वाले हैं वो इनको देखते भी हैं सुनते भी हैं। रात एक जगह प्रोग्राम था, वहाँ मुलाकात हुई तो मैंने इनसे कहा हो सके तो आइएगा। ये अपना स्टूडियो चैनल भी चलाते हैं, बहुत से लोगों तक पैगाम हक पहुँचाते हैं। आज पहली बार आए हैं तो मैं उन्हें दावत दूंगा। उसके बाद हमारे हाफिज़ाबाद से तशरीफ़ लाए हुए जनाब साहिबजादा पीर बैरिस्टर सैयद वसीमुल हसन शाह साहब नकवी, वो रौनक अफरोज़ होंगे अभी आपके सामने। हो सकता है वो अगर बैठे हों तशरीफ़ ले आए तो उनका ख़िताब होगा। बड़ी मोहब्बत से सुनना उन्हें, तकल्लुम तरन्नुम तबस्सुम, अपने वाले साहब से मिला है तो वो तशरीफ़ लाएंगे। अब आपके सामने आते हैं जनाब हाफिज़ ताहिर साहब कादरी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि ख़तीब आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उर्से पाक में हाज़िरी की सआदत मिल रही है, और ख़तीब इब्ने ख़तीब अल्लामा इब्ने अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर कोकब नूरानी उकाड़वी साहब दामत बरकातुहुम आलिया के हुक्म पर अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हुआ हूँ। और हज़रत की बड़ी शफ़क़तें मोहब्बतें हैं और बहुत प्यार करते हैं और सरपरस्ती फरमाते हैं, नहीं तो मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। अल्लाह ताला आपका साया आतिफत हम अवाम अहले सुन्नत और चरख अहले सुन्नत पर आफियत के साथ दराज फरमाए। अकीदत से मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल।
وسلم عليك يا حبيب الله. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ. اللہ کی سر تاب قدم قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو ہم محفلیں پڑھتے ہیں روز, ظاہر بات ہے ہر محفل کی ایک الگ کراؤڈ ہوتا ہے, الگ کیفیات ہوتی ہے, پر کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسجد میں یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر محفل کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, اللہ کے پیارے کا اس منا رہے ہیں. اور میں جو شرکائے محفل دیکھ رہا ہوں بڑے چنیدہ لوگ آئے ہیں محفل, مطلب بڑے خاص لوگ ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ یار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں اور کیا لینے جا رہے ہیں, اور جن کا عرس منایا جاتا ہے ان کی خاص نظر عرس منانے والوں پر ہوا کرتی ہے. تو انشاءاللہ جھولیاں بھر کر جائیں گے. میں چاہوں گا مل کر آپ نے اس کلام میں پڑھنا ہے, کیونکہ بات ہے مل کر کرنے والی. اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہ اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی. مل کر کہنا ہے جیسے میرے سرکار ہیں کوئی نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں. مجھے اندازہ ہے یہاں پڑھیں گے ساتھ, جبھی میں نے اسی کلام کا انتخاب کیا. جیسے میرے سرکار ہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہاں. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر القمر لا يمكن سنا ما کان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جیسے میرے سرکار ہیں کوئی نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں نہیں کوئی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنہ. اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھ
देखा नहीं कोई, ये शान लताफत के साया नहीं कोई, ये शान लताफत है के साया नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। कह दो सुभान अल्लाह, मुख चंद बदर शाह सानिए मत चमक दिलाट नूरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हिन मत भरिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किते मेरे अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखियां किते जानिया जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। अरे सोचो वो मंजर कैसा होगा जब हुजूर के प्यारे सनाखा प्यारे सहाबी हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके लिए हुजूर ने मिंबर लगवाया, वो रुखे वद्दुहा को देख रहे हैं और यूं अर्ज कर रहे हैं, देखते हैं अब किस मोहब्बत से आप सुनते हैं। वो अहसनु मिन कलम तरकत तो रहीनी, अरबी सबको समझ नहीं आई तर्जुमा पढ़ देता हूँ। या रसूल अल्लाह आप जैसा हुस्न वाला मेरी आँख ने देखा ही नहीं, वाजमलू मिजमलू कलम तरी दिन निसाब, या रसूल अल्लाह आप जैसा जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं, खुलता मुबर्राम मिल कुल आइबिन, या रसूल अल्लाह आपको अरैब से पाक पैदा किया गया, कद खुलत कमा तशाओ, या रसूल अल्लाह आप जैसा चाहते थे आपको वैसा ही बनाया गया। भाई ये ऑप्शन किसको दिया गया कि जैसा चाहेंगे वैसा बनाएंगे, ये ऑप्शन तो किसी को नहीं दिया गया, ये तो मेरे हुजूर का इम्तियाज है। अल्लाहु अकबर। एक नुक्ता मुझे ये भी समझ आता है कि कयामत तक कोई बंदा उठकर ये ना कहे कि हुजूर तो हमारे जैसे थे, बल्कि हुजूर का गुलाम हमेशा कहेगा जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, मेरे सरकार। कह दो सुभान अल्लाह, एज़ाज़ी ग़ासिल तो हासिल ज़मीन को, भाई अफलाक पे तो गुंबदे हज़रा नहीं कोई, नहीं कोई अफलाक पे तो गुंबदे हज़रा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे